देखिए, कांग्रेस का कारवां बढ़ता चला जा रहा है और आपने देखा होगा कि पहले हिमाचल की जीत, फिर कर्नाटक की जीत, अब हम कम से कम 4 राज्य जीतने जा रहे हैं जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, जो रिपोर्ट जिस तरह की आ रही है। तो पूरे देश में 2-3 महीने बाद माहौल बदलने वाला है और ऐसे में हम अपने उत्तर प्रदेश में भी संगठन को मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। उस दिशा में आज इमरान मसूद जी की ज्वाइनिंग हो रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये वैसे ही पुराने कांग्रेस के साथी हैं और उन्होंने बाहर जाके भी कहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, हमेशा अपने वो बात रही। तो इनकी जो है हम स्वागत करते हैं कि घर वापसी है इनकी और अब जुट के काम करेंगे। मैंने इनसे पूछा कि आगे का क्या है, बोले अब कब्र में जाने तक सिर्फ कांग्रेस में ही रहेंगे। तो ये अच्छी बात है, अच्छा जज्बा है, अच्छी भावना है, हम इसका स्वागत करते हैं। और बाकी तो आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सारा विस्तार से बताया और यहाँ प्रदीप नरवाल जी बैठे हैं, वो भी पूरी कोशिश में उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं और रोज जो संग्राम और संघर्ष है वो खेड़ा जी करते ही रहते हैं सुबह से। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का उत्थान शुरू हो गया है, देवभूमि से शुरू हुआ, अब निश्चित रूप से हम केंद्र में भी सत्ता में आएंगे।